नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी और अब से लेकर यानी 8 बजे से लेकर पूरे 9 बजे तक आप और हम रहने वाले हैं एकदम साथ। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है, तो बहुत सारा मनोरंजन भी आपके लिए होगा, जानकारी भी होगी, ज्ञानवर्धक बातें भी होंगी और गणेश उत्सव भी शुरू हो चुका है और इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए कार्यक्रम हमारा प्रारंभ करते हैं नमस्कार एमपी, और नंबर हम आपको बताएंगे तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए हमारा नंबर नोट करने के लिए। लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के पंचांग पर। जी हाँ, तो हम आपको बताना चाहेंगे आज विक्रम संवत 2080 की भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, 18 सितंबर 2023 और दिन है सोमवार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जाना माना त्यौहार हिंदू परंपरा के अनुसार है। जी हाँ, आज है हरतालिका तीज का त्यौहार, तो हमारी सभी सखियों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका बर्थडे है, जिनकी शादी की सालगिरह है, उनको भी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। और आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज के विचार की तरफ। तो हमारा आज का विचार है, जी हाँ, समस्याओं से निराश नहीं होना चाहिए और डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। और हर समस्या का समाधान हम कर पाएंगे अगर हम स्वस्थ होंगे और तन से और मन से खुश भी रहेंगे। जी हाँ, इसलिए अपना विशेष ध्यान रखें, त्योहारों का सीज़न चल रहा है जैसा कि हमने बताया, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और हेलमेट का भी उपयोग करें और सीट बेल्ट का भी उपयोग करें। और आइए अब जानते हैं कि हमारे आज के इतिहास में आज क्या खास है। जी हाँ, तो आज के इतिहास में हम आपको बताना चाहेंगे कि आज है मुंबई से पहली बार महिला चालकों ने 18 सितंबर 1986 को जेट विमान उड़ाया था। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 18 सितंबर 1947 को पारित हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1987 में आज के ही दिन ये घोषणा की थी कि आने वाले कुछ सालों में 1000 परमाणु मिसाइलें खत्म कर दी जाएंगी। भारतीय हास्य कवि काका हाथरसी का जन्म आज ही 1906 में हुआ था। वहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा का जन्म भी 1883 को हुआ था। हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री 18 सितंबर को ही शबाना आजमी इस दुनिया में आई थी। और आपको बता दें कि आज विश्व बांस दिवस भी है। विश्व स्तर पर बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज का ये जो दिन है वो मनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का इतिहास। और अब बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की तरफ। तो सबसे पहले हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कीजिए, क्योंकि हमारा सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है और आपको लगाना है हमें कॉल। देखिए आप स्क्रीन पर भी हमारा नंबर दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। हमारा एसटीडी कोड है 0755, हमारा फ़ोन नंबर है 2660049, टोल फ्री नंबर हमारा नोट कर लीजिए 1800-233-0040, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। तो फटाफट हमें कॉल कीजिए और हमारे विशेषज्ञों से बात कीजिए। और आज हम आपको मिलवाना चाहेंगे, आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर आचार्य राजेश जी को, जो वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद है लोकगीत एवं भजन गायिका श्रीमती साधना व्यास जी। साधना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और दर्शकों, आपको भी हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो विषय है आज, नोट कर लीजिए, आचार्य राजेश जी जो हैं वो हमें प्रदेश में हरतालिका तीज और गणेश उत्सव की जानकारी यहाँ प्रदान करेंगे। साथ ही हमारी लोक गायिका जो हमारे साथ हैं वो हमको जानकारी देंगी संगीत साधना से ईश्वर आराधना कैसे होती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत साधना जी, क्यों ना आपसे की जाए। और जैसा कि हमने बताया कि आज हरतालिका तीज भी है, गणेश उत्सव भी प्रारंभ होने वाला है, तो सबसे पहले शुरुआत हम चाहते हैं कि गणेश वंदना के साथ की जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायकु अम्बरवे हरिगुरुमारमेश। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर सभी शुभकामना करने के लिए हम गणेश वंदना का, जी बिल्कुल, गणेश जी का आह्वान सर्वप्रथम होता है, हमारे प्रथम पूज्य हैं। जैसा कि गणेश वंदना जी, सभी को हरतालिका तीज और गणेश उत्सव आने वाली शुभकामना। चूँकि भादो मास में गणेश भगवान का जन्म हुआ, तो हम उनके जन्म से रिलेटेड भजन लेते हैं।
आयो भादो मास है गन में थोरी आल है, आयो भादो मास है जन में थोरी लाल है, दर्शन देना गणपति लाला तेरी वर्षगांठ है, आयो भादो मास है जन में थोरी लाल है, दर्शन देना गणपति लाला तेरी वर्षगांठ है, तेरी वर्षगांठ है, माथे प्रभु के मुकुट विराजे हीरा लाल जड़ाए है, हीरा लाल जड़ाए है, माथे प्रभु के मुकुट विराजे हीरा लाल जड़ाए है, हीरा लाल जड़ाए है, लंबी सूल बसाए है, लंबी सूल सिंदूर से केसर तिलक लगाए है, केसर तिलक लगाए है, केसर तिलक लगाए है, जल में गौरी लाल है, जल में गौरी लाल है, आयो भादो मास है, आयो भादो मास है, बोलिए गणपति गजानन भगवान। जय, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया साधना जी, आपकी सुमधुर आवाज़ में गणेश वंदना के साथ आज हमारे दिन की शुरुआत हुई है। हमारे दर्शक भी काफ़ी प्रसन्न होंगे और आचार्य जी आपका पुनः एक बार स्वागत करते हैं। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हरतालिका तीज आज है तो उसका महत्व, हमारी सखियाँ सभी आपको देख रही हैं, तो हरतालिका तीज के महत्व से ही हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वैसे तो हरतालिका तीज का महत्व तो महिलाएं और बहनें हमारी बहुत ही अधिक अच्छे उससे जानती हैं, क्योंकि इस दिन माता पार्वती जी ने जो तपस्या की और तपस्या करने के बाद भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया, उन्हें पति रूप में पाया भी है, उसी समय से हरतालिका तीज मनाई जाती रही है। इस तीज की ये थोड़ा सा व्रत काफ़ी कठिन होता है, अंजला इसमें व्रत रखा जाता है, भगवान शंकर का इसमें आराधना भी किया जाता है। तो ये जो पूजन पाठ की एक प्रक्रिया है, एक तो मन को शुद्ध करती है, अंतःकरण को शुद्ध करती है, साथ ही ये जो पूजा की पूरी इसकी विधि है सायंकाल प्रदोष काल से शुरू होती है और दूसरे दिन सोभिता की जाती है, और जब हल्दी कुमकुम का सोय प्रोग्राम होता है तब उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी समाप्त होती है। यदि हम इस पूरे त्यौहार को हमारे ज्योतिषीय दृष्टि से देखें और हमारे साइंस के रूप में हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो ये मास श्रावण के बाद जैसे ही भाद्र पक्ष शुरू होता है, अब त्योहारों का दिन शुरू हो चुके हैं, अब त्योहारों के दिन शुरू हो गए, अब एक के बाद एक के बाद ये शिव संस्कृति के सारे त्यौहार हैं, दीपावली तक लगातार मनाए जाते रहेंगे। यदि हम इस विधि को देखते हैं तो ये विधि लगातार ऐसी मानी गई है कि जैसे महिलाएँ ही हमारे यहाँ सब त्योहारों की जननी भी हैं, और महिलाओं के अंदर एक सत्व की जो प्रकृति है वो प्रकृति सत्व के द्वारा पूरे परिवार को पूरे कुटुंब को भगवत सत्ता से जोड़ती है, इसलिए महिलाओं का बड़ा महत्व हमारे यहाँ है। पुरुष यदि एक व्रत करे या पुरुष यदि 100 व्रत करेगा और महिलाएं एक व्रत करेंगी तो उसके बराबर फल उसे प्राप्त होता है। ये पुरुष के साथ कुछ चीज़ें हैं कि पुरुष तमस में भी पैदा हो सकता है और पुरुष रजस में भी पैदा हो सकता है, लेकिन महिलाएं कितनी भी गिरेंगी रजस से नीचे नहीं जाती हैं, वो रजस में होंगी या सद में जन्म उनका होगा। तो जब वो अपने सद्व प्रकृति के माध्यम से इस प्रकार के व्रत त्योहारों को करती हैं तो पूरे परिवार का एक तरीके से धागे का वो काम करती हैं, सारे मोती को जोड़कर रखती हैं और भगवत सत्ता से उसको मिलाती हैं। तो ये जो आज का त्यौहार है, विशेष रूप से कहा जाता है ना कि आज महिलाएं व्रत करती हैं तो पति की उम्र बढ़ जाती है, उनको सुख लंबा मिल जाता है, संतान का उत्तम सुख उन्हें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हरतालिका तीज का व्रत करने से आपने फलश्रुति सुनी होगी, पूरे परिवार के लिए एक महिला व्रत करती है पूरे परिवार को उसका लाभ मिल जाता है, जबकि पुरुष एक अकेला व्रत करता है तो उसको अकेले का भी फल नहीं मिल पाता। अच्छा, क्योंकि उसको बाहर रहना है, कई बार झूठ बोलेगा, कई बार कुछ काम करेगा, कई बार अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार काम करेगा, तो वहाँ पर इन व्रतों के टूटने की संभावना अधिक होती है। और महिलाएँ जब घर में होती हैं तो इस प्रकार के नियम और व्रतों को बड़ी आसानी से कर लेती हैं और सब जो नियम होते हैं उनको साधते हुए सारे व्रत करती हैं। हाँ, स्वरूपा जो है महिलाएं कहलाती हैं। बिल्कुल, और व्रत के साथ साथ वो सबकी सेवा भी करती हैं, सास की सेवा, बच्चों की सेवा, पति की सेवा, तो व्रत के साथ जो सेवा जुड़ती है ये उसकी फलश्रुति में 4 चांद लगा देती है। तो इसी संदर्भ में जो आज हरतालिका तीज का व्रत है, इस व्रत के कई मायने और भी बढ़ जाते हैं।
और इस व्रत को करने से सभी प्रकार के जो दोष होते हैं उनका शमन होता है परिवार सहित, और हमें सत्व गुण की प्राप्ति होती है और भगवत सत्ता से जोड़ने का कार्य करता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, सबसे ज़्यादा कठिन ये वाला हमारा व्रत माना जाता है, और इसमें पूजन के भी चरण रहते हैं जी, उसकी भी वो क्या चरण रहते हैं, उसकी भी महत्ता हम जानना चाहते हैं कि आप बताएं कि होम शायद लगता है 8 बजे का, 12 बजे का, जिस तरह से विधान हो रहता है उसके बारे में हम चाहेंगे आप प्रकाश डालें। इस विधि के व्रत में तो सायंकाल से प्रदोष काल से ये व्रत इसका शुरू होता है जी, और सुबह 6 बजे तक, सूर्योदय तक, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक की ये पूरी विधि होती है जी। इसमें 5 बार भगवान की सेवा की जाती है, शंकर पार्वती और गणेश जी सहित इस व्रत को किया जाता है जी। और चूंकि ये व्रत सदियों से चला रहा है, ये व्रत लोग सोचते हैं कि शंकर पार्वती इस जन्म में थे और इस जन्म में पार्वती ने शंकर को प्राप्त किया तब ये व्रत शुरू हुआ, तो ये नहीं है जी। ये जन्म जन्मांतर की कथा है, भगवान शंकर ने तो पार्वती जी प्राप्त होने के बाद उनको विधि बताई, मतलब यदि शास्त्र का अध्ययन करेंगे आप तो पार्वती जी ने भी ये व्रत शंकर जी को प्राप्त करने के बाद शुरू किया है जी, बिल्कुल। और उससे पहले जन्म के जन्म मतलब 108 जन्म पहले की उन्होंने कथा सुनाई है, पार्वती जी ने उनसे पूछा था एक आपसी संवाद में कि मैं कुछ जानना चाहती हूँ तो आप मुझे कैसे मिले, तब भगवान शंकर ने उन पार्वती जी को अपने पूर्व जन्म की उन्होंने उसको कथा सुनाई कि तुमने एक बार मेरे लिए ऐसा तप किया था और उस तप के बाद मैं तुम्हें प्राप्त हुआ इस रूप में। तो फिर पार्वती जी ने उस व्रत की पूरी कथा सुनी और कथा सुनने के बाद जब उन्होंने बताया कि सायंकाल से प्रदोष काल से विधि शुरू होती है, तो इस वर्ष की 48 का तीज उसका विशेष महत्व 100 वर्षों में आया है जी। वो 100 वर्षों में कैसे आया है कि हरतालिका का तीज यदि द्वितीया मिश्रित है जी, तो सामान्य फल प्रदान करती है। अच्छा अच्छा जी। यदि हरतालिका का तीज चतुर्थी मिश्रित है तो वही फल प्रदान करती है जो पार्वती जी को प्रथम व्रत में प्राप्त हुआ था। तो ये व्रत महिला और माता बहनों के लिए तो मैं विशेष रूप से कहूँगा कि ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस व्रत करने के बाद ही गणेश जी के सिर काटने वाली कथा भी आती है, तो यही व्रत था वो। अच्छा, तो उसमें सायंकाल जब पार्वती जी और भगवान शंकर का, तो भगवान श्री गणेश जी का पहला पूजन जो किया जाता है, इसमें सबसे पहले तो होता है कि जो हम जो पूजन के लिए भगवान का चित्रण बनाया जाता है जी, वो रेत या मिट्टी, काली मिट्टी के थ्रू उसको बनाया जाता जी, है जी, जी, आप शेप नहीं दे सकें तो भी एक सामान्य रूप में उनको रख सकते हैं, उनको अलग अलग रूप में उनको स्थापित कर सकते हैं जी, जी, जी। इस व्रत की कथा में आता है कि सखी के द्वारा पार्वती जी को शंकर जी प्राप्ति के लिए एक स्थान उपलब्ध कराया था जहाँ भगवान उनको मिले थे, तो इसलिए इस व्रत को सखियों के साथ मनाने का विधान भी है, सब लोग एक होकर जो महिलाएं अच्छा, बनाती तभी ना? सारी जो महिलाएं बहुत ढोल बाजों के साथ तैयारी करती है। साधना जी आप भी बहुत सुंदर सी यहाँ दिखाई दे रही हैं, तो क्या आज आपका भी हरतालिका तीज का व्रत है? हाँ जी, अभी आज हरतालिका तीज का व्रत है, और मुझे जहाँ तक याद है शायद मैं 8 या 9 कक्षा में थी शादी के पहले। अच्छा अच्छा जी। हाँ, तभी से मैंने ये व्रत शुरू कर दिया था जी, मेरी मम्मी को रखते हुए देखा, मैंने मेरी दादी को देखा, मौसी जी जी। जैसा कि हम जानते हैं, आपसे बात कर रहे हैं हम, ठीक है, संगीत साधना से ईश्वर की आराधना, जब आपने कहा कि आप तो बहुत पहले से ये व्रत भी करती आ रही हैं, तो जो व्रत जगा या रात्रि जागरण है वो तो बहुत ही सुमधुर होता होगा, क्योंकि आपकी सुमधुर आवाज़ होती होगी, और हम जानना चाहेंगे कि कितने वर्षों से आप संगीत की साधना कर रहे हैं? करीब 40 वर्षों से संगीत। 40 वर्षों से जी जी जी। इसकी विशेष शिक्षा तो कॉलेज में आने के टाइम भी, लेकिन कहते कुछ ईश्वर का जो वरदान होता है जी, गॉड के जी जी, वो शायद बचपन से ही था, क्योंकि घर में थोड़ा सा भी संगीत का माहौल था, मेरे नाना जी वगैरह जो हैं वो संगीत के काफ़ी बड़े आचार्य थे, स्कूल में संगीत के शिक्षक थे जी, आचार्य जी। और उससे बड़ी बात ये है कि जैसे मैंने बताया कि पिज़्ज़ा में बहुत काफ़ी बचपन से देखती हूँ, मम्मी को करते ही देखती हूँ, तो हमारे यहाँ क्या होता था कि हम लोग ये रात में जागरण को जी जी, तो रात भर ढोलक बजाना और भजन गाना और यही सब माहौल जी जी था पूरा जी, तो उसमें सबसे बड़ी बात ढोलक बजाना, रात भर भजन करना, मस्ती आनंद लेना और जी ऐसे ही देखते देखते प्रेरणा मिली बड़ा जी। आप एक बड़ी जानी मानी भजन गायिका हैं, लोकगीत गायिका हैं, तो ये आपको शौक जो है बचपन से आया या फिर
कुछ और भी दिशा आप निर्धारित करना चाहते हैं? तो बजाने का और गाने का शौक मुझे बचपन से था, कुछ गॉड गिफ्ट भी है जी। और लेकिन जो इसको मैंने मतलब इस रूप में अपनाने का ऐसा हुआ कि कुछ संदर्भ ऐसे आते चले गए, कुछ ऐसे इंसिडेंट आते चले गए कि मैं स्कूल में भी हूँ जी। बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो शिक्षक। अच्छा अच्छा, शिक्षिका भी है, बहुत ही बड़ी। करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, संगीत जो सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूलों में जो होते हैं, हाँ। तो वो ये लगन देखते हुए मतलब इसमें मेरे गुरु का, शिक्षकों का बड़ा हाथ जी। उन्होंने देखा कि ये साधना इस चीज़ में निपुण है, तो उन्होंने मेरे को हमेशा फोकस इसी पे रहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूप में था, तुम्हें ही बनानी है, तुम्हें ही देखनी है। अच्छा अच्छा। तो करते करते धीरे धीरे ये होता चला गया, और फिर वो कब ऐसा हो गया कि हमसे संबंधित लोग जुड़ते चले गए, हमें जो लगा कि कुछ बच्चे या जो इसके अभाव में जिनके पास साधन नहीं होते, संसाधन नहीं होते, वो सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं जी, तो उनको लेके धीरे धीरे ये एक ऐसे भजन कीर्तन, पहले हम ऐसे ही मंदिर में जी, जी, जी। घर में किसी ने कहा जी, करते करते धीरे धीरे उनको फिर शिक्षित भी किया, उन बच्चों को बच्चियों को आगे भी बढ़ाया। तो बहुत ही नेक काम है साधना जी, और बिल्कुल आप एक साधक के जैसे ही कार्य कर रही हैं। बच्चों को शिक्षा देना, निःशुल्क उनको भी आगे बढ़ाना, संगीत के क्षेत्र में आगे लाना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो जिस लायक था उसको उस क्षेत्र में, कोशिश रही मेरी जी, उसको उसी क्षेत्र में। तो साधना जी, जैसा कि हमारे आचार्य जी ने बहुत सारी जानकारी हमको हरतालिका तीज की दी, जिसको हम अभी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन शिव पार्वती जी की अगर बात चली है तो आपकी आवाज़ में प्यार सा भजन भी हो जाए। बिल्कुल जी। तो शिव बाबा का एक लौकिक गीत जिसको हम अपने बुंदेली भाषा में उसे कहें, तो वहाँ पर कैसे के पूछ रही हैं सखियाँ, हाँ। कि जैसे सखियाँ पूछ रही पार्वती जी से कि तुमने अपने दूल्हे को देखा है कैसा है। अच्छा, हाँ। जी। तो वो बता रही हैं पार्वती जी, और उनकी सखी पहले उनसे कह रही कि तुमने तो देखा नहीं, पर हमने देखा है। अच्छा। तो हम गदगीत के माध्यम से इसको बताएंगे कैसे जी। बोलिए शंकर भगवान जय। दर्शकों आप भी आनंद लीजिए इस मनमोहक भजन का जी। तेरो दुल्हा अरे तेरो दुल्हा पार्वती हो अजब वेश में आयो है, तेरो दुल्हा पार्वती हो अजब वेश में आयो है, सबके दूल्हा पार्वती हाँ सबके दूल्हा पार्वती, सबके दूल्हा पार्वती सेहरा बांध के आते हैं, सबके दूल्हा पार्वती वो सेहरा बांध के आते हैं, तेरो दूल्हा अरे तेरो दूल्हा पार्वती हाँ तेरो दूल्हा पार्वती वो जटा में गंगा बहाए है, तेरो दूल्हा पार्वती वो जटा में गंगा बहाए है, सबके दूल्हा पार्वती हाँ सबके दूल्हा पार वो बैंड बाजा लाते हैं, सबके दूल्हा पार्वती वो बैंड बाजा लाते हैं, तेरो दूल्हा अरे तेरो दूल्हा पार्वती आते थे, आजकल बैंड बाजे पे आते हैं, सबके दूल्हा पार्वती हाँ सबके दूल्हा पार्वती गाड़ी में चढ़ के आते हैं, हाँ गाड़ी में चढ़ के आते हैं, अरे ऑडी में बैठ के आते हैं, तेरो दूल्हा हाँ तेरो दूल्हा पार्वती नंदी पे चढ़ के आयो है, तेरो दूल्हा पार्वती नंदी पे चढ़ के आयो है, सबके दूल्हा साधना जी, बिल्कुल माहौल आचार्य जी इतना बढ़िया सा हो गया है ना, हमारी सखियां भी हमारे दर्शक भी आपको सुन रहे होंगे, तो बिल्कुल एक कहते हैं ना सुबह से ही जो त्यौहार का आनंद है, तैयारियां हैं, वो जोश के साथ एकदम शुरू हो जाएंगी कि नहीं, एक हमारी सखियों में भी एक अलग तरह का उत्साह जो है वो आ जाएगा।
तो दर्शकों आपको एक बार बताना चाहूंगी, हमारे आचार्य जी यहाँ विराजमान है, हरतालिका तीज की जानकारी दे रहे हैं और साथ में साधना जी है। तो हमारा नंबर एक बार और नोट कर लीजिए, हमें फ़ोन कीजिए, हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है 0755, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है नोट कर लीजिए, 0755 हमारा एसटीडी कोड है, 2660049 ये हमारा नंबर है। टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 1800-233-0040 ये हमारा टोल फ्री नंबर है। तो दर्शकों कॉल कीजिए और अगर आप पूछना चाहते हैं हरतालिका तीज के बारे में, गणेश उत्सव के बारे में, तो हमारे आचार्य जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य जी, जैसा कि अभी साधना जी ने बताया कि मतलब भजन में तो आप देखते हैं कि किस तरह से जो है शिव और पार्वती जी का वर्णन किया जाता है, मेरे भी जहन में एक प्रश्न आया है कि हमेशा जो है मतलब कहा जाता है और कहते हैं कि विष्णु जी से तुलना की जाए, रामचंद्र जी से तुलना की जाए और शिव जी और पार्वती जी की जोड़ी देखी जाए, तो जब देखा जाए तो माता पार्वती गौरा की माता को भी यही चिंता थी कि हमारे जो भोलेनाथ हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, भूत प्रेत की बारात लेकर आ रहे हैं और मृगछाला पहन के आ रहे हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद भी आशीर्वाद उनकी ही जोड़ी का दिया जाता है क्योंकि प्रेम की प्रतीक वही जोड़ी है। तो मैं चाहूँगी, आप तो अध्यात्म और सबके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो इस विषय पर भी कुछ प्रकाश डालें जी। बिल्कुल, इस विषय का तो देखो वाकई में विषय बड़ा अछूता रहता है जी, क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे हैं जो तीनों स्वरूपों में आते हैं, सत्व में भी हैं, तम में भी और रजस में भी हैं। जी जी बिल्कुल, कहते हैं ना कि अगर भोला है तो भाला भी है। भाला भी है बिल्कुल, हाँ, जिनके सिर पे चंद्र है तो सामने त्रिशूल भी है बिल्कुल, क्योंकि उनके परिवार की विशेषता है, एक का नंदी है, दूसरे माता जी का सवारी शेर है, और तीसरे उनकी सवारी कार्तिकेय जी की मोर है, तो चौथे गणेश जी की सवारी उनकी अपोजिट चूहा है, तो ये बड़ा विचित्र है कि संयोग है ऐसा। तो इन सबको जोड़ के जो रखता हो उसकी आराधना तो करना बनती ही है, और यही कारण है कि जब गृहस्थ की बात करते हैं तो गृहस्थ की बात में शिव परिवार की बड़ी महत्ता होती है, और विशेष रूप से इस मृत्यु लोग जिसको हम बोलते हैं, जिस खंड में हम लोग इस पृथ्वी पर हैं, तो यहाँ पर महाकाल और इनकी ही बड़ी भूमिका रही है, और इसीलिए भगवान शंकर की यहाँ आराधना भी की जाती है। और तो भगवान शंकर के इन स्वरूपों की वर्णन करते हैं तो प्रकृति में बहुत सारे स्वरूप हैं, जैसे कई लोगों के मकान नहीं बनते हैं तो उनको बोला जाता है कि ज़मीन के अंदर रहने वाले जीवों को यदि आप कुछ डालोगे तो आपको थोड़ी सी भूमि प्रदान करेंगे, तो ज़मीन के अंदर सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, चींटियाँ होती हैं, इन सब के लिए जब हमारे पहले तो वेदांत था, सांप को कोई दूध पिलाता था, कोई कुछ करता था जी जी, पर आजकल चींटियों की लोग सेवा करते हैं ज़मीन के अंदर, ये सब भगवान के हैं। जितने भी वनचर हैं, वनचर जितने होते हैं भगवान शंकर के आगे सब कंट्रोल रहते हैं, कि शेर की मृग छाल वो पहनते हैं, मतलब उसको नियंत्रित वो करते हैं, तो उसका भी एक संकेत है कि जंगली जानवरों को भी नियंत्रित वो कर लेते हैं। प्रकृति के पुरुषों की बात की जाए, यदि हम सत्व की ही बिल्कुल बात करें तो भोलेनाथ एक ऐसे हैं बिल्कुल जो अपनी साधना से बहुत ही बढ़िया। इस विषय पर हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ एक कॉलर है वसला शर्मा जी, भोपाल से वो जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है वसला जी आपका हमारे कार्यक्रम में। वसला जी, हेलो, वसला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी वसला जी बताइए। जी 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 बताइए बताइए वसला जी। हाँ जी, मेरा आचार्य जी से ये पूछना था कि बचपन से हम लोग अपनी माताओं से सुनते हुए आ रहे हैं कि हरतालिका तीज में एक कथा में भी होता है कि अगर आप सो जाते हैं तो मतलब मगरमच्छ बन जाते हैं या जाते हैं बंदर बन जाते हैं, ऐसा कुछ ये सच में होता है या ये सिर्फ भ्रांति होती है कि अगर आप ऐसे व्रत में कुछ खा लेते हैं तो अगले जन्म में बिल्ली बन जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वसला जी, और ये जो सवाल आपने पूछा है यही सवाल मेरे भी मन में आ रहा था, और मैं भी आके यही सवाल आचार्य जी आपसे पूछना चाह रही थी कि व्रत से जो संबंधित है बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं और बहुत सारी लोकोक्ति कह सकते हैं जुड़ी हुई हैं, तो हम चाहेंगे आप वसला जी के प्रश्न का जो है जवाब दें। आप इसमें हर कथा को सुनेंगे या सामान्य रूप से हम बच्चे को भी बोल देते हैं यदि प्रश्न इतने याद कर लेना, नहीं करेगा तो कान खींचेंगे। अच्छा, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जितने भी बातें कही गई हैं, ये उस व्रत पर नियंत्रण करने की बातें कही गई हैं, और इनके यदि हम गूढ़ रहस्यों में जाने की हम कोशिश करें
तो ये इनका संबंध हमारी वृत्तियों से होता है। जैसे हम बात करते हैं कि यदि आप फल खाओगे तो आप बंदर बन जाओगे, तो ये एक कहा गया है यदि आप इस तरीके से रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये नेगेटिव इसके असर मिलेंगे। तो पहली बात तो आप उसके बात को ध्यान में रखते हुए आप पॉजिटिव लगातार बने रहते हो, और ऐसा उल्लेख इसमें नहीं आता है कि मनुष्य कहीं किसी और में कन्वर्ट हुआ या कुछ हुआ, तो वो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक आपके चित्त को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार की बातों को वहाँ पर रखा जाता है। चूँकि कई वृद्ध हैं, यदि ये नियम है तो वृद्धों पे फिर फल खाने का ही इसी व्रत में नियम है कि यदि आप वृद्ध हैं, यदि आप प्रेगनेंसी में आप गुजर रहे हैं, तो आपको इस व्रत को ऐसा निराहार वाले में नहीं करना है, फिर आपको उस नियम को छोड़ना है। पहली बार कन्याएं जब व्रत करती हैं तब आदत नहीं होती है, तो उनके लिए भी दोपहर विशेष रूप से इसमें भोजन का समय जो रहता है वो सुबह जैसे 9 बजे का होता है, 12 बजे के बाद, मतलब इसमें मिश्रित घड़ी, सुबह 6 बजे, 12 बजे, शाम को 6 बजे भोजन का इसमें नियम नहीं होता है। तो जो फलार वगैरह करती हैं, कन्याएं करती हैं या वृद्ध करती हैं, बीमार महिलाएं करती हैं, प्रेगनेंसी वाली करती हैं, तो बीच के समय में करती हैं, सुबह 9 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 9 बजे, अच्छा, उस समय में इसको किया जाता है। और यही कारण है कि जब आप व्रत शुरू करते हैं तो व्रत से पहले कलेवा, जिसको सगरी बोलते हैं, सगरी आपको सुबह प्रातःकाल 4 बजे से पहले कर लेनी चाहिए, ताकि आप उसमें जल ग्रहण कर सकते हैं और थोड़ा बहुत जो फलार टाइप का वो आप ले सकते हैं। तो ये उन महिलाओं के लिए भी जो व्रत कर रही हैं, तो आप पहले उसको कर लें ताकि दिन भर आप उस तरह से रह सकें। और आपकी चूँकि दिनचर्या एक नियमित रहती है, भजन पूजन के माध्यम से हम जो पूजन करते हैं तो उसमें हमारा मन लगा रहता है, और इस तरीके की बातें हमें याद नहीं आती हैं। तो आप मानकर चलें कि ये जो बातें हैं कही गई हैं, ये आपके इस व्रत को मजबूत करने के लिए छोटा सा बताया गया है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए अपने आप को नियंत्रित कर सकें, आपका मन बार बार खाने की ओर लालायित ना हो। तो वत्सला जी, जैसा कि आचार्य जी ने कहा, ईश्वर सब देखते हैं और सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और सभी को अच्छा फल देते हैं अगर दिल से कोई भी बात की जाए तो। हमें उम्मीद है कि आपको आपके जो सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी आचार्य जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, विनोद कुमार जी हैं भोपाल से। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। विनोद जी आप सुन पा रहे हैं हमको? चलिए कोई बात नहीं, विनोद जी का संपर्क हमसे टूट गया है, लेकिन जो है आपने सही कहा, और जो है व्रत में इस तरह की सावधानियां और सबके लिए होती है। साधना जी, जैसा कि अभी हरतालिका तीज की बात चल रही है, वसला जी का कॉल भी आया, तमाम बातें करी, तो क्यों ना एक बहुत अच्छा सा भजन जो है एक और हो जाए। जैसा कि जी ने भी बताया कि ऐसा विधान नहीं है या इस तरह से नहीं है कि कुछ खा लेंगे तो ये हो जाएंगे जी, तो भगवान भोलेनाथ तो सबको छप्पर फाड़ के देने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसी से रिलेटेड एक बात बताती हूँ जो भजन के माध्यम से सभी सुने और जी, जी। कि सभी देव देते हैं जग में पल्ला झाड़ के, अरे सभी देव देते हैं जग में पल्ला झाड़ के, और जैसा कि भाई साहब ने बताया, मेरा भोला बाबा देता है चप्पर फाड़ क्या बात, मेरा भोला बाबा देता है चप्पर फाड़ के, सभी देव देते हैं जग में पल्ला झाड़ के, सभी देव देते हैं जग में पल्ला झाड़ के, मेरा भोला बाबा देता है चप्पर फाड़ के, मेरा भोला बाबा देता है चप्पर फाड़ के, तीन लोक का मालिक है महिमा अपरंपार है, तीन लोक का मालिक है महिमा अपरंपार है, बात किसी से छुपी नहीं है सच्चा ये दरबार है, बात किसी से छुपी नहीं है सच्चा ये दरबार, सभी मुसीबत हर लेता, सभी मुसीबत हर लेता जड़ से उखाड़ के, सभी मुसीबत हर लेता जड़ से उखाड़ के, मेरा भोला, मेरा भोला बाबा देता है चप्पर फाड़ के, मेरा भोला बाबा देता है चप्पर फाड़ के, एक भगत ने रोटी मांगी खुल गई उसकी दुकान रे, एक भगत ने रोटी मांगी
क्या बात है साधना जी, बहुत बढ़िया। और हम भी यही प्रार्थना करेंगे भोले बाबा से कि आज जितनी भी हमारी सखियों ने व्रत रखा है और जो सब उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, सभी को जो है छप्पर फाड़ के दे। और अभी हमारे पास एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, ब्रज गोपाल तिवारी जी। हेलो, गंज बासोदा से हैं आप ब्रज गोपाल तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार पूर्वा जी, मैं आपको बहुत आपका कार्यक्रम देखता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। जी पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। मेरा आचार्य जी से प्रश्न है कि आज हम लोग पर्यावरण की ओर देख रहे हैं, पर्यावरण के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, तो जो हरतालिका तीज का त्यौहार है और गणेश उत्सव का त्यौहार है, इन दोनों में मूर्तियों का बहुत महत्व है, तो क्या हम मूर्तियों के अलावा भी पूजा कर सकते हैं क्या? इसमें मूर्तियों के अलावा देखो, मन से हम यदि कोई अंदर स्वीकार करें तो भाव की जो पूजा होती है वो सर्वोत्तम पूजा हमारे यहाँ मानी गई है। और इन सब जितनी मूर्ति पूजा की विधि हैं, ये विधि एक स्थिति के बाद गौण हो जाती हैं, फिर आपके मन से जो पूजा होती है वो पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा इसमें मानी गई है। लेकिन चूँकि गणेश जी का त्यौहार और ये त्यौहार हरतालिका का, इसमें एक प्रतीक की आवश्यकता होती है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो इसकी, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो विधान है पानी में मूर्तियों को सिराने का, ये विधान बिल्कुल गलत है। भगवान कृष्ण ने जो चीरहरण की लीला की, उस लीला का मतलब ही यही था कि महिलाएं अपने वस्त्रों सहित जब नदी में स्नान करती हैं उस व्रत के दिन, जो व्रत उद्यापन उन्होंने किया था, उसमें वरुण देवता पानी के अंदर मौजूद होते हैं, वो आपके व्रत को फलित करने के स्थान पर आपको श्रापित कर देते हैं और जलोदर टाइप के रोग मनुष्यों को इसमें हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने चीरहरण करके यही संकेत दिया कि आपको स्नान नदियों में नहीं करना चाहिए, घाट पर बैठकर लोटे से स्नान करना चाहिए। तैरना सीखना एक अलग बात है, आज भी कई बुजुर्ग लोग गंगा जाते हैं तो कूदते कोई नहीं है, बाहर बैठकर लोटे से स्नान किया जाता है। तो वही विधि होती है, जब हम मूर्तियों को सिराने जाते हैं, मूर्तियों को नदी नाले नदी के किनारे में ले जाते हैं और मूर्ति पर नदी के जल को चढ़ाया जाता है और भगवान को कहा जाता है कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ पर प्रस्थान करें, और जो मूर्ति फिर होती है वो मिट्टी हो जाती है, उसको उठाकर बाहर किसी पेड़ की जड़ में डाल दिया जाता है। नदी में सिराने का विधान बिल्कुल नहीं है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो इस विधि से यदि आप मूर्तियों को सिराएंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, और मूर्तियों को यदि आप जल में डालेंगे तो वरुण देवता आपको श्रापित करेंगे, और जो किया हुआ पुण्य है वो सब वरुण देवताओं को लग जाता है और आप आपके भागीदार बन जाते हैं। तो ये शास्त्र मूल्य है इसका, तो आप इस विधि से उनको रखें। और इसलिए महिलाओं को जितनी भी बड़ी शंकर भगवान हैं, अंगूठे के बराबर पूजन की विधान होता है इसमें, अंगूठे से बड़ी इसमें मूर्तियां यहाँ पर नहीं बनाई जाती, रेत की मूर्तियां बनती हैं। चूँकि इस वाले विधान के बाद इन सब सामग्रियों को नदी में प्रवाहित करने का नियम है, तो रेत को नदी में प्रवाहित करने से पानी गंदा नहीं होता है, इसलिए रेत की मूर्ति बनाना सर्वोत्तम माना जाता है। और मिट्टी की मूर्ति यदि बनाई जाए तो उसका वही विधान है, नदी के किनारे ले जाकर उस पर जल डाला जाता है और मिट्टी को मिट्टी में अर्थात पेड़ की जड़ में उसको पहुंचा दिया जाता है, यथास्थान पहुंचाने का उसका वहाँ विधान होता है। तो इसलिए इसमें दोष नहीं लगता है, मुझे लगता है आपका प्रश्न का एक्चुअल अर्थ यही होगा। तो बाकी हमारे सारे तीज त्यौहार जो हैं वो प्रकृति से ही बने हैं, प्रकृति के लिए ही बने हैं, और हम भी प्रकृति में ही पैदा हुए हैं, प्रकृति में ही हम विलीन होंगे, ये हमारे धर्मशास्त्र की सनातन धर्म की मुख्य परिभाषा है और उसका हम पूर्ण रूप से इसमें ध्यान रखते हैं। जी बहुत ही अच्छी जानकारी आचार्य जी हमने आपने दी, और हमें उम्मीद है कि तिवारी जी आपको अपने प्रश्न का जो जवाब है वो मिल चुका है। और अब जो है हम क्योंकि बात कर रहे हैं हरतालिका तीज और गणेश उत्सव की, तो सबसे पहले सुनते हैं हमारे गणेश जी का भजन और आगे बात करेंगे गणेश उत्सव की। तो लीजिए सुनिए ये भजन। मंगल वरदो मंगल दाता, मंगल वरदो मंगल दाता, रिद्धि सिद्धि जग तुमसे पाता, तुम हो शुभ फलदाता, रिद्धि सिद्धि जग तुमसे पाता, तुम हो
शुभ फल दाता मंगल वर दो मंगल दाता मंगल वर दो मंगल नीरे सागरे मग पम धपगर नीरे सासा नीरे सागरे मग पम धपगर नीरे सा ग प प प ग मदनी नीरे सा नी ग गणेश जी का भजन। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के साथ ही प्रदेश में भी गणेश उत्सव की जो है धूम मची हुई है। तो आचार्य जी, जैसा कि हमने प्यारा सा भजन अपने दर्शकों को सुनवाया और कहीं कहाँ जा रहा है, क्योंकि आप सही प्रकाश इस पर डाल सकते हैं, आज हरतालिका तीज भी है और आज जो है गणेश जी का भी कुछ ऐसा मुहूर्त है कि आज से ही शायद गणेश जी विराजमान हो रहे हैं या कल से हैं। हम चाहेंगे कि ये भी हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा क्लियर करें कि कब गणेश जी बैठाना है और आज से मुहूर्त है या कल प्रातः है, किस तरह से है इसमें। देखो, ये इस वर्ष का बड़ा एक विचित्र संयोग बना है। अब मैंने आपसे कहा था कि तृतीया और चतुर्थी यदि होती है तो उस समय में हरतालिका तीज सर्वोत्तम मानी जाती है, जो 100 वर्ष के लगभग में अभी ये पड़ी है। तो एक त्यौहार तो हमारे साथ ये है कि तृतीया भी है और चतुर्थी भी है जी। दूसरा, शास्त्रों में एक वर्णन है, यदि रविवार और मंगलवार को चतुर्थी का कोई भी अंश आता है तो उस दिन चतुर्थी पूर्ण रूप से मान्य होती है। वो भगवान श्री गणेश जी का जन्म दोपहर में हुआ था, इसलिए दोपहर में मान्य रखती है। अच्छा, अच्छा। और यही कारण है कि इस त्यौहार को 19 तारीख को मनाया जाएगा जो सर्वोत्तम होगा। और दूसरा, भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं, गणेश जी को हम विराजमान करते हैं और महिलाएँ के बिना पूजन नहीं होती है। और आज माता और बहनें सारे भगवान शंकर पार्वती की पूजा में व्यस्त रहते हैं और उनकी जब पूरी पूजन हो जाती है उसके बाद गणेश जी का प्राकट्य होता है। वो एक कथा मैंने बीच में आपको छोटे से बता एक डाल के छोड़ा था कि इस कथा के बाद ही पहला दिन था जब वो पार्वती जी, जिनकी पुराने जन्म वाली पार्वती बात कर रहे हैं, वो स्नान कर रही थी और उन्होंने अपने मेल जो ओपटन था ओपटन से गणेश जी बना के बिठा दिए थे। वो कथा वहाँ से शुरू होती है जी। तो दूसरे दिन जब तृतीय मिश्रित चतुर्थी आती है तो चतुर्थी के द्वितीय चरण के बाद चतुर्थी मनाई जाए, अर्थात ये चतुर्थी पड़ेगी 19 तारीख को, यानी तो मंगलवार के दिन, यानी कल, कल है ना, आज हरतालिका तीज है। अगर गणेश जी बिठाने का विधान है हाँ, तो वो कल तो पूजन के बाद आएगा जी। तो और उस पूजन के विधान में भी जो अभिजीत मुहूर्त होता है 11:40 से 12:20 का दिन का जी। तो घर में हम भगवान को प्रतिष्ठापित कर रहे हैं और भगवान को पूजन पाठ करा रहे हैं,
तो हमें उस समय में घर में भगवान श्री गणेश की आराधना करना चाहिए और उनको लड्डू बाटी और जो भी अपने विधान होता था उसका भोग लाकर देना चाहिए। क्योंकि हरतालिका तीज की एक कथा भी यह भी आता है कि दूसरे दिन माता पार्वती ने सब कुछ करने के बाद अपने पुत्र गणेश और भगवान शंकर के लिए दो थाली लगा के उन्होंने दी थी। अच्छा, जब उन्होंने ये कहा था कि भगवान शंकर ने कहा दूसरी थाली किसके लिए, बोले गणेश के लिए, बोले वो कहाँ है, बोले वो मैंने बाहर बिठाया हुआ था, अरे उसकी तो मैंने सिर ही काट दिया। अच्छा, तब उन्होंने अरे ये कैसे अनर्थ किया, तब भगवान ने वो हाथी का सिर जोड़ा है, फिर भगवान सामने आए हैं गणेश जी ने और भगवान शंकर ने, दोनों ने एक साथ फिर भोजन किया है। अच्छा अच्छा जी। तो वो गणेश चतुर्थी का ही दिन था, गणेश तो इसलिए वो पति और बच्चे और ससुर और देवर वगैरह इन सबको एक साथ भोजन करा के बिठाने का भी आज के दिन विधान होता है। तो गणेश चतुर्थी पे भगवान श्री गणेश की हम स्थापना भी करते हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश की स्थापना से ही भारत ने स्वतंत्रता भी अंग्रेजों से पाई है। जब उस त्यौहार को मनाना शुरू किया है तब से सारे काम हुए। हाँ, लोकमान्य तिलक जी ने जो बनाया था, तो गणेश जी का एक बड़ा महत्व होता है। इसलिए हम जो गणेश चतुर्थी घर में मनाएं वो 11:40 से 12:20 पर अभिजीत मुहूर्त में स्थापित करें। और दूसरा, झांकी हमारे यहाँ बनाई जाती हैं, तो झांकी में हम जो लगाते हैं वो 12 के बाद उसको लगाएं, 3:00 से 4:30 तक और शाम को 7:30 से 9:00 तक। यदि हम इस समय में गणेश जी की स्थापना करेंगे तो निश्चित रूप से ये अच्छी होगी। और इसलिए गणेश चतुर्थी को मंगलवार को मनाना सर्वोत्तम माना गया है जी। यानी हमारे दर्शकों को तैयारी के लिए आज का भी दिन जो है पूरी तरह से मिल चुका है। हाँ। और आज भी जो है वो तैयारी कर सकते हैं, पूरी बढ़िया झांकी हमारे गणपति बप्पा की सजा सकते हैं, और कल जो प्रातः है वो हमारे गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं जी। बहुत ही बढ़िया और अच्छी जानकारी दी आपने। जैसे कि आपने बताया गणेश उत्सव की तैयारियां हैं, तो जब हरतालिका तीज के बाद हरतालिका तीज की पूजन होती है, तो क्या उसी पंडाल में या उसके बाद ये जो व्रत खोलने का विधान होता है आचार्य जी, क्या व्रत खोलने के बाद हम गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं, या जो है उसके साथ ही, मतलब जब पूजन के साथ ही मुहूर्त के बाद, या ना मतलब तब हम कुछ ले सकते हैं, हमारी सखियां कुछ खा पी सकती हैं, गणेश जी की स्थापना के बाद ही वो कुछ अन्य जल ग्रहण कर सकते हैं? इस व्रत के खोलने के विधान में भोजन करने का विधान नहीं है। इस व्रत को खोलने का विधान ये होता है, जब हम पांचों टाइम की भगवान शंकर पार्वती और गणेश जी की सेवा कर चुके होते हैं तो विशेष रूप से जो सिंदूर चढ़ाया जाता है उस सिंदूर को एक दूसरे को शेयर करने का विधान होता है। जब वो सिंदूर हम सिर मस्तिष्क पर धारण कर लेते हैं तो ये हरताल तीज का व्रत उस समय समाप्त हो जाता है, क्योंकि शादी से जुड़ा है। और उसके बाद जो हमारे पास भगवान का भोग जो हमने बनाए हुए हैं, आटे का जैसे मीठा लोग पुए वगैरह बना लेते हैं, पंचामृत बनाते हैं, इससे फिर हम लेकर उसको ग्रहण करते हैं माथे पर तिलक लगाकर, और फिर हम इस व्रत को तोड़ देते हैं और फिर आप उसको खा सकते हैं। तो अभी जैसा कि दर्शकों गणेश उत्सव की बात चल रही है, पूरे प्रदेश में गणेश उत्सव की धूम है, हर जगह झांकियों की सज चुकी है, पंडाल सज चुके हैं और बहुत ही उत्साह है सभी के दिलों में। देश के साथ प्रदेश में भी बहुत ही उत्सव का माहौल है। तो हमारे साथ जो है भोपाल पुलिस कमिश्नर श्री हरि नारायणाचारी मिश्र जो है वो जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम। नमस्कार एमपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जैसा कि हमने बताया कि प्रदेश में जो है गणेश उत्सव की धूम मची हुई है और बहुत उत्साह के साथ लोग जो है गणेश उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से प्रशासन जो है इसकी तैयारी के प्रति पूरी तरह से सजग है और किस तरह की तैयारियाँ की जा चुकी है प्रदेश में। हम जानते हैं कि प्रतिमा की स्थापना का समय शुरू हो चुका है और अगले एक साल तक प्रमुख रूप से चलेगा। इस दौरान पुलिस ने काफी लगभग सतर्कता से तैयारियां जो है बेहतर ढंग से रहे, लोग उत्साह के साथ मना पाए और अच्छी कामदोस्ता की स्थिति बनी रहे, इसके मद्देनजर पर्याप्त तैयारियां की हैं। लगभग 50 से ज्यादा बड़ी प्रतिमाएं शहर के अलग अलग हिस्सों में रखी जाएंगी, जिसके मद्देनजर पुलिस ने सभी जगहों पर न सिर्फ बैठकें ली हैं बल्कि जितने भी पंडाल हैं उन पंडालों पर एक एक हर थाने से एक ऐसे व्यक्ति को, जवान या हेड कांस्टेबल या जो भी थाने से एक ऐसे प्रभारी अधिकारी को नियुक्त किया गया है जो उसमें व्यवस्थाओं से संबंधित कोई भी बात हो तो लगातार उस संपर्क में रहेगा, आयोजन को ठीक ढंग से चलाने में और व्यवस्था को बनाए रखने में लगातार सक्रिय रहेगा। साथ ही साथ हर स्तर पर स्थानीय लोगों से बात हुई है, इससे पहले शांति समिति और विभिन्न अलग अलग समितियों की, इवन जो सुरक्षा समिति के जो सदस्य थे उनके साथ भी बैठक होती है और इसका उद्देश्य ये होता है कि एक बेहतर माहौल में, सकारात्मक माहौल में सारे आयोजन सफल हो। सर,
आयोजक जो है हमारे अभी तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनसे भी हम चाहते हैं कि आप एक अच्छा सा संदेश हमारे आयोजकों को भी दें, किस तरह से उनको सावधानी रखनी है और किस तरह से उत्सव को जो है बहुत अच्छे से मनाना है। एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, बेहतर ढंग से करने के लिए पुलिस लगातार सभी आयोजकों के संपर्क में है, उनकी अलग अलग थाना क्षेत्रों में बैठकें ली गई है, उनसे लगातार संवाद कायम है। उन्होंने बताया गया कि कहीं भी ऐसा हम पंडाल ऐसे रास्ते पर ऐसी जगह न लगाए जिससे मार्ग बाधित हो या लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़े, पर पूरे उत्साह के साथ मना पाए तो प्रशासनिक समस्या ना हो, इसके लिए एक एक नोडल अधिकारी की तरह उठाने से भी हर जगह लोग जुड़े हुए हैं कि अगर कोई व्यवस्था संबंधी कोई समस्या आती है तो तत्काल उनसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने हर जगहों पर प्रारंभिक तौर से बैठक और स्थानीय जो भी गणमान्य नागरिक है उनके साथ संवाद करके जी। सर एक छोटा सा हम जानना चाहेंगे कि कुछ आप प्रकाश डालें कि ये जो पंडाल और झांकी लगाते हैं क्या कुछ उसके ऐसे नियम हैं जिन्हें हमारे आयोजकों को ध्यान में रखना चाहिए, और कितनी बड़ी मूर्ति होना चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए पंडाल में, पंडाल लग रहे हैं उन्हीं जगहों पे पंडाल और झांकियां समांतर पर लग रही है। जैसा मैंने जिक्र किया कि कोई भी हम ऐसा जगह सार्वजनिक जगहों पर ऐसा अतिक्रमण करके न लगाए जिससे कि आम मार्ग बाधित हो या आम व्यक्ति को परेशानी हो, इन बातों का ध्यान रखा गया है। बाकी व्यवस्था संबंधी छोटी छोटी बिंदुओं को या स्थानीय एक समरसता बनी रहे, एक अच्छे बेहतर माहौल में सकारात्मक माहौल में, उसके लिए भी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिश्रा जी इस तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं जब हमारे तीज त्यौहार रहते हैं तब हमारे प्रशासन की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पुलिस प्रशासन को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे त्यौहार इन्हें उत्साह के साथ मनाइए और पूरी सावधानी के साथ मनाइए। अब साधना जी जो है बात चल रही है गणेश जी की और हम उस माहौल के रंग में रंग चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि एक जो भजन है वो गणेश जी का भी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल जी, जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी कि गणेश भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ जी, तो उसी से रिलेटेड और उनको सिंदूर भी चढ़ाया जाता है जी जी जी, जो भाई साहब ने बताया अभी आचार्य जी ने कि हाँ। सिंदूर लेने की प्रक्रिया है जी, तो उसी से कि भगवान गणेश सबका सुहाग सभी बहनों का स्पीच पे बनाए अमर जी। बोलिए गणेश भगवान की जय। जय विशाल लाल मूरत हमको लगे प्यारी, विशाल लाल मूरत हमको लगे प्यारी, गजानन एक दंत भुजाचारी, गजानन एक दंत भुजाचारी, मुसे की सवार गजानन की, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आज से ही, वैसे तो आज से त्योहारों की शुरुआत हो गई आचार्य जी, और माहौल इतना अच्छा हो गया, हमारे दर्शक भी जब देख रहे होंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से उनके घर में भी जो है आपके भजन उनके घर तक पहुंच रहे हैं और बहुत आनंद से गजानन की तैयारी में जुट गए होंगे। आचार्य जी एक और बात मेरे उसमें आई है जहन में कि जब हम मूर्तियाँ लेने के लिए जाते हैं गणपति जी
देखिए तो वैसे तो आजकल इको फ्रेंडली मूर्ति हम लेकर आते हैं ताकि जो है कि हमारे प्रभु जो है जिस आदर के साथ हमने बुलाया उसी आदर के साथ ससम्मान उनका उनको विदा करें। लेकिन कुछ इस तरह से भी लोग जब देखते हैं कि एक हाथ में मोदक होना चाहिए या चूहे की सवारी होना चाहिए, मोर की सवारी होना चाहिए, तो ये किस तरह की चीज़ें होती हैं? सूंड लंबी होना चाहिए, मुड़ी हुई नहीं होना चाहिए, तो इस पर भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखो भगवान गणेश जी के स्वरूप, भगवान गणेश जी बहुत पुराने समय से मान्य है, ऐसा नहीं शिव पार्वती जी के पुत्र गणेश जी। रामायण का यदि आप उल्लेख करोगे तो भगवान शंकर भगवान और पार्वती की शादी की पहले गणेश जी का आह्वान हुआ है। अच्छा। तो लोग ये ना समझे कि इन शिव पार्वती के गणेश पुत्र हैं। गणेश जी हर युग में एक अपने स्वरूप में रहे हैं, जैसे उन्हें शेर के रूप में माना जाता है, तो जब वो सतयुग में होते हैं तब भगवान गणेश शेर की सवारी करते हैं। अच्छा आचार्य जी, हम इस बात को कंटिन्यू रखेंगे। अभी आपसे बात करने के लिए हमारे कॉलर हैं रामचरण जी, वो हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामचरण जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते रामचरण जी। जी पूछिए हमारे क्या आचार्य जी से सवाल पूछना था मुझे। जी 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 स्वागत है आपका। हमारे धर्म में हर त्योहार दो दिन तीन दिन तक क्यों मनाए जाते हैं, एक तिथि में क्यों नहीं आते हैं? जन्माष्टमी से लेके और दूसरे त्योहार जो है दो दो तिथियों में, कोई वैष्णव के लिए कोई साधुओं के लिए, ये क्या पंचायत पे चलता है क्या ये घटना? देखो ये बात आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, ये आज इस प्रश्न का भ्रम आप लोग मिटा लेना, क्योंकि ये प्रश्न हर बार खड़ा होता है और हर बार लोग कन्फ्यूज होते हैं, हर बार लोग बार बार हमें इस बात का जवाब देना पड़ता है। हमारे यहाँ दो तरीके की प्रकृति होती है, एक साधना की प्रकृति है और एक हमने गृहस्थ की प्रकृति है। तो हम सभी लोग गृहस्थों में आते हैं, तो गृहस्थ लोग हमेशा उदित तिथि को मान्य करते हैं, जैसा आज गणेश चतुर्थी भी है वो कल भी गणेश चतुर्थी है। तो हम सब गृहस्थ लोग उदित तिथि होने के कारण कल गणेश चतुर्थी मनाएंगे, लेकिन जो साधक लोग हैं जिन्हें साधना करनी है तो साधना रात्रिकालीन फलित होती है, तो साधक लोग आज शाम को गणेश जी की स्थापना करके अपनी साधनाएं शुरू करेंगे, लेकिन वो गृहस्थों के लिए नहीं है। कन्फ्यूज़न यहाँ बार बार ये हो जाता है कि हम साधना वाले लोगों में घुस जाते हैं। यदि आपको साधना करनी है भगवान श्री गणेश जी की तो आज रात से आप साधना प्रारंभ कर दें, ताकि आपको रातों चारों जागृत सुसुप्ति वाली तीनों अवस्थाएँ आपको प्राप्त हो जाएँ और आप साधना में सफल हों। तो अगली बार आप हमेशा ध्यान रखना कि हमारी जो तिथि होती है वो उदित तिथि होती है, दूसरा दिन त्यौहार हमारे लिए मनाया जाता है, अमावस्या पूर्णिमा को छोड़कर। अमावस्या एक दिन पहले मनाई जाती है, पूर्णिमा एक दिन रात्रिकालीन होती है, इसलिए एक दिन पहले मनाई जाती है। तो बाकी सारी जो तिथि तीज त्यौहार हैं वो उदित तिथि के मान्य होते हैं, और चूंकि हम गृहस्थ हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है उदित तिथि पे हम मनाएं और दूसरे दिन हम मनाएं, तो पहले दिन हम गृहस्थ त्यौहार ना मनाएं। सिर्फ साधना करनी है तो हम प्रतीक रूप से खुद शुरू करते हैं साधना, लेकिन हमारे घर के लोग दूसरे दिन ही उसको मनाएंगे, तो हम साधना पहले प्रारंभ कर सकते हैं, त्यौहार हम दूसरे दिन मनाएं। ये एक भ्रांति बहुत ज़्यादा है, तो बड़ी क्लियर रूप से मैंने आपके सामने ही प्रस्तुत की जो शास्त्र सम्मत है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी आपने भ्रांति का निराकरण किया आचार्य जी, और सभी में होता है। और उदया तिथि यानी अगर शाम को 7 बजे भी तिथि लग गई है, लेकिन जब वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से प्रारंभ होगी, तो जब वो तारीख चेंज हो जाएगी तब हम जो है ग्रस्त जो लोग हैं वो स्थिति को मना सकते हैं। जी बिल्कुल, और हमें उम्मीद है कि विनोद जी आपको आपके जो रामचरण जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। आचार्य जी हम बात कर रहे थे, जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से गणेश जी जो है घर में लाने चाहिए। हमारा समय भी कार्यक्रम का बहुत तेज़ी से जा रहा है, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियाँ हमको पहुँचानी है, लेकिन वही है कि समय का अभाव। तो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि मूर्ति घर लाने का भी क्या कोई मुहूर्त है और किस समय वो ला सकते हैं? मूर्ति को घर लाने का मुहूर्त तो नहीं होता है, जब भी आप जाएंगे मूर्ति को लेके आएंगे, लेकिन मूर्ति को लाते हैं तो ढक के लाते हैं, जब मूर्ति का मुँह खोला जाता है तब मुहूर्त उसका रहता है। तो यदि हम घर में स्थापित करेंगे तो 11 बजे से 12 बजे के अंदर करेंगे, और झांकियों में स्थापित करेंगे तो शाम को 3 से लेकर 5:30 4 बजे तक, और 7:30 से लेकर 9 बजे तक हम उसको स्थापित करेंगे, ये इसका मूल मुहूर्त होता है। और दूसरी स्थिति के मूर्ति कितनी बड़ी होना चाहिए, घर में जो मूर्ति बनाई जाए वो इतनी बड़ी से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। क्योंकि घर में हमारे जगह नहीं होती और हमें मूर्ति पूरी देखना चाहिए, वो पंडालों में जो मूर्ति बनाई जाए वो आदम कद से ऊपर नहीं होना चाहिए, अर्थात जिस समय में जो कद है। अभी हम कलयुग में चल रहे हैं, हमारे 6 फीट की मान्यता है इस युग के लोगों की, तो 6 फीट से बड़ी मूर्ति हमें
झांकियों में नहीं लगानी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और मूर्ति मिट्टी की हो तो सर्वोत्तम होता है, रेत की हो तो और ही ज़्यादा अच्छी होती है, और एक प्रतीक स्वरूप में छोटी सी मूर्ति वहाँ पर अवश्य रखनी चाहिए। बाई चांस मूर्ति किसी कारण से खंडित हो जाए तो उस मूर्ति की हम पूजा करें, उसका दोष हमारे ऊपर न लग पाए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विसर्जन की विधि मैंने अभी आपको बताई, विसर्जित उनको कैसे करना चाहिए। बहुत ही अच्छी जानकारी आचार्य जी। और साधना जी, आपके भजन से जो है हमारा जो माहौल बहुत अच्छा हो गया। आचार्य जी, आपकी तमाम जानकारियों से हमारे दर्शकों की सारी भ्रांतियाँ जो है मिट चुकी होंगी, और हरतालिका तीज और गणेश उत्सव जो है बहुत अच्छे से हमारे दर्शक मनाएंगे। तो आप सभी को एक बार पुनः हरतालिका तीज की और गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई, और आप दोनों को भी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।